नमस्कार, मैं हूं यूएसपी सर और आप मुझे सुन रहे हैं हिंदी हाईवे में। आज हिंदी हाईवे की इस ऑडियो बुक में मैं आपको जयशंकर प्रसाद की कहानी दासी का सारांश सुनाने जा रहा हूं। कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसके लिए आप मेरे साथ इस ऑडियो बुक में अंतिम तक बने रहें। और दूसरी बात, अगर मेरा यह ऑडियो आपको पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। दासी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है, जो प्राचीन काल में प्रचलित दास प्रथा पर आधारित है। एक समय था जब पूरी दुनिया में दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा में मनुष्य को भी पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। दासों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर थी। इस कहानी में फिरोजा और इरावती दो स्त्री पात्र हैं और दोनों ही दासी हैं। बलराज सैनिक है और इरावती उसकी प्रेमिका है। इरावती मुल्तान की लड़ाई में बंदी बना ली गई और उसे गुलाम बना लिया गया। बाद में इरावती को काशी के एक महाजन ने 500 दिरहम देकर कड़ी शर्तों के साथ खरीद लिया। लेकिन इरावती का ऐसा मानना है कि उसका शरीर बिका है, उसकी आत्मा नहीं बिकी है। उसने अपने स्वामी की अनेक उचित अनुचित शर्तों को स्वीकार किया था, जिसका पालन करने से वह अपने आप को अपवित्र मानने लगी है। इरावती का आदर्श उस समय सामने आता है जब बलराज यह कहता है कि मनुष्य पशुओं के समान नहीं बिक सकते। तब इरावती कहती है, बलराज तुमने ना सुना होगा कि मैं किन नियमों के साथ बिकी हूँ। मैंने लिखकर स्वीकार किया है, इस घर का कुत्सित से कुत्सित कर्म करूँगी और कभी विद्रोह ना करूँगी, न कभी भागने की चेष्टा करूंगी, न किसी के कहने से अपने स्वामी का अहित सोचूंगी। यदि मैं आत्महत्या भी कर डालूं, तो मेरे स्वामी या उनके कुटुंब पर कोई दोष न लगा सकेगा। वे गंगा स्नान किए से पवित्र हैं, मेरे संबंध में वे सदा ही शुद्ध और निष्पाप हैं। मेरे शरीर पर उनका आजीवन अधिकार रहेगा। वे मेरे नियम विरुद्ध आचरण पर जब चाहें राजपथ पर मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीट सकते हैं, मुझे दंड दे सकते हैं। मैं तो मर चुकी हूँ। मेरा शरीर 500 दिरहम पर जीकर जब तक सहेगा खटेगा। वे चाहें तो मुझे कौड़ी के मोल भी किसी दूसरे के हाथ बेच सकते हैं, समझे। सिर पर तृण रखकर मैंने स्वयं अपने को बेचने में स्वीकृति दी है, उस सत्य को कैसे तोड़ दूं। कहानी की दूसरी पात्र फिरोजा है, जो अहमद से प्रेम करती है, परंतु अपने उसूलों के कारण उसे अपनाती नहीं है, क्योंकि अहमद ने उसकी आज़ादी की कीमत के 1000 सोने के सिक्के राजा तिलक को नहीं चुकाए थे। कहने का भाव यह है कि जब अहमद 1000 सोने के सिक्के राजा तिलक को दे देता, तब वह गुलामी से आज़ाद हो जाती। फिरोजा दिलेर तथा हिम्मती स्त्री है। वह निराशा में डूबे बलराज को आत्महत्या करने से रोकती है। वह उसे समझाती है। उसका मानना है कि युद्ध में मरना तो वीरता का प्रतीक है, किंतु आत्महत्या करना कायरता है। बलराज की निराशा का कारण यह है कि उसको सुल्तान के द्वारा सेना से निकाल दिया गया है तथा इरावती को छुड़ाने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का वह प्रबंध नहीं कर पाया है।
कहानी के अंत में तुर्की सेना पर विजय प्राप्त कर बलराज जाटों का सरदार तथा इरावती रानी बन जाती है, लेकिन इस युद्ध में अहमद मारा जाता है और उसका फिरोजा से मिलन नहीं हो पाता है। जहां पर अहमद वीरगति को प्राप्त हुआ, वहीं पर फिरोजा उसकी समाधि बनाकर दासी का जीवन बिताने लगती है। वह अहमद की समाधि की सेवा करती हुई तथा फूल चढ़ाती हुई अपनी ज़िंदगी के बाकी बचे दिन बिताने लगती है। कहानी का अंत यही हो जाता है। इस कहानी में फिरोजा और इरावती दोनों में ही पवित्र एकनिष्ठ प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी हुई है। कहानी चूँकि दास प्रथा पर आधारित है, इसलिए इसका शीर्षक दासी बिल्कुल सार्थक है तथा पाठकों तक अपने उद्देश्य को पहुंचाने में सफल है।